अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? मैथ्स की दुनिया में इंजॉय कर रहे हैं और मैथ्स की फिगर्स को भी इंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अपने घर की तमाम चीज़ों को छान मारा और कितनी सारी शेप्स को फाइंड कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब शेप्स को समझने में कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैसी कैसी थी। स्फीयर मिले आपको? क्या आपको क्यूब और क्यूबॉइड के डिफरेंस समझ आए? हाँ जी। तो आपको पैरामिड चीज़ें कौन कौन सी मिली? क्या आपका लैम्प पैरामिड है, वो जो रूम लैम्प लगा है, या कोई लाइट, या कोई कुशन, या इसके अलावा कुछ और? अच्छा जी, सिलेंडर क्या क्या है आपके पास? ग्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स हैं। इसके अलावा आपने क्या फाइंड किया सिलेंडर? उम्मीद है आपने बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ली होंगी, देख ली होंगी और शेप्स को समझ लिया होगा। वंस अगेन मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी कि आपने होमवर्क के ट्रेसिंग और कलरिंग की थी? यस, हो गुड। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपना होमवर्क ज़रूर करते हैं। जैसा टीचर गाइड करती हैं वैसा होमवर्क करते हैं, और अच्छे स्टूडेंट होने का लोगों अपने पास रखते हैं, ठीक है? और गंदे स्टूडेंट तो मेरे पास हैं ही नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज के साथ आए हैं। लुक एट पेज नंबर 32। 32 पेज नंबर देखने के लिए आपके सामने होने चाहिए आपके मैथ्स की बुक्स और एक अदद पेंसिल। पेंसिल का क्या करना है जब मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आप खुद ही से लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स? आपको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है, मुझे भी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हियर लुक, इट्स अ चार्ट। कैसा चार्ट बना है? ये बने हैं डिफरेंट शेप्स का कॉलम बना है। शेप्स में कौन कौन सी शेप्स हैं? लिखा हुआ है क्यूब, आपको पता है क्यूब कौन सा है? यस, इट्स अ स्क्वायर बॉक्स एंड अ क्यूबॉइड, ये भी मैंने बताया आपको। इट्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड द सिलेंडर, लाइक दो तरफ से गोल और कुछ लेंथ पे, है ना? याद है आपको? गुड, शाबाश। देन अ स्फीयर, स्फीयर तो आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइक अ ऑरेंज, लाइक अ बॉल, सर्कुलर फ्रॉम एवरी साइड, शाबाश। इट्स अ स्फीयर। ओवल, ओव्यूल्ड, ओव्यूल्ड क्या होता है? यस, इट्स लाइक अ एग, गोल होता है लेकिन थोड़ा ऊपर और नीचे से खिंचा हुआ होता है, बड़ा होता है गोल से। एंड अ पैरामिड, हमें पैरामिड भी पता है, वो क्या होता है? जब हम हट बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसका जो वी स्टार्ट करते हैं हट बनाना, उसको हम पैरामिड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमें करना क्या है आज के एक्सरसाइज में? लुक, स्क्वायर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, सर्कुलर फेसेस, ट्राइंगुलर फेसेस, कर्व्ड सरफेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है कि कितने कितने इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं और कितने कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है? तो आए सबसे पहली शक्ल पे आते हैं, जो है क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज में फेसेस से मीट भी किया था, याद है आपको? उसमें कितने स्क्वायर्स थे? यस, 6 स्क्वायर्स थे। तो पहले पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? नंबर 6, ए, नंबर 6 इज मेंशन, दोबारा नहीं लिखना, नहीं तो 66 बन जाएगा। 6 लिखा हुआ है, मेंशन है, बताने के लिए, आपको पता है ना? गुड। नाउ उसमें कोई रेक्टेंगल नहीं होता, कोई ट्राइंगल नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? 000 लिखा हुआ है। एंड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि कितने कोने होते हैं, वो जो एरो वाली हमने एक्सरसाइज की थी, उस पेज नंबर जाएं, पीछे पेज नंबर पे जाएं और उसके एरोज काउंट करें, तो हमें कॉर्नर्स मिल जाएंगे। और वो कितने एरोज हैं, कितने कॉर्नर्स थे? 8 कॉर्नर्स। तो लास्ट हमारे नंबर ऑफ कॉर्नर्स में क्या लिखेंगे? 8 कॉर्नर्स। डन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कौन कौन से फेसेस होते हैं? हमने पिछली एक्सरसाइज में फेसेस से मिलाया था, उसमें कितने ट्राइंग स्क्वायर थे? 2 स्क्वायर थे। पिछले पेज पे आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, 2 स्क्वायर थे और रेक्टेंगल कितने थे? 4 रेक्टेंगल थे। तो पहले स्क्वायर फेसेस में 2 लिखेंगे, रेक्टेंगल फेसेस में 4 लिखेंगे,
सर्कुलर फेस ज़ीरो, ट्राइंगुलर फेस ज़ीरो, कर्व सरफेस ज़ीरो और नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं? फिर से पिछली एक्सरसाइज में चेक करें, क्यूबॉइड में हमने कितने कॉर्नर्स लिखे थे? यस, 8 कॉर्नर्स के एरो लगाए थे, तो इसमें क्या आएगा? 8, ठीक है? डिड यू सॉल्व? इसी तरह से करना है जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, और समझ भी आ रहा है क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने ऐसा काम किया है। अगर आपको याद ना आए तो आप बुक के पीछे पेजेस पे चेक कर लीजिएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व किया था, ठीक है? और ख़ुद से भी काउंट कर लीजिएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट, इट्स सिलेंडर। क्या सिलेंडर में कोई स्क्वायर होता है? नो, सो स्क्वायर फेसेस पे ज़ीरो आएगा। सिलेंडर में कोई रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल पे भी ज़ीरो आएगा। सर्क्यूलर फेस पे, सर्क्यूलर फेस होते हैं, मैंने आपको बताया, ऊपर से और नीचे से गोल होता है, यानी कि ये सर्क्यूलर होते हैं, तो दो आएगा, टू आएगा। ट्राइंगुलर फेस कोई नहीं होते। कर्व लाइन होती है, कर्व सरफेस होता है, हाँ, जो उसकी लेंथ होती है वो कर्व होती है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व लाइन होती है। ये हम कैसे देख सकते हैं? ये हम देख सकते हैं पिछली एक्सरसाइज में, जहाँ पे सिलेंडर बना है और सिलेंडर का आपको फेसेस बना के दिखाए गए हैं अलग अलग, तो उसमें कर्व सरफेस बनी हुई है, ठीक है? देखा आपने, पीछे करके देखें। ओके, शाबाश। तो कर्व सरफेस एक है, नंबर वन है, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट। कम टू द स्फीयर, इस स्फीयर में स्क्वायर है? नो। रेक्टेंगल है? नो। नो का मतलब ज़ीरो, दोनों में आएगा ज़ीरो। सर्कुलर फेस है, पूरा ही एक सर्कुलर फेस होता है, तो सर्कुलर है कि नहीं है? लेकिन ये अपने अलग अलग सर्कल नहीं बनाता, सर्कुलर फेस होता है, तो सर्कुलर फेस में भी हम फिलहाल ज़ीरो लिखेंगे। ट्राइंगुलर भी नहीं है, लेकिन कर्व सरफेस है। कैसे? क्योंकि एक कर्व लाइन होती है जो कि पूरा स्फीयर बनाती है, तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस पे हम वन देंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉर्नर्स स्फीयर में नहीं होते, कोई कॉर्नर नहीं होता, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ज़ीरो। ओके, डन। कम टू द नेक्स्ट, ओव्यूल्ड। ओव्यूल्ड में, ओवल टाइप शेप में, हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं होता, ज़ीरो। कोई रेक्टेंगल नहीं होता, कोई सर्कुलर सरफेस नहीं होता, कोई ट्राइंगल नहीं होता, यानी कि तमाम लाइन क्या आएगी? ज़ीरो 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 लिखते जाएंगे। लेकिन ये एक कर्व सरफेस है। कैसे? क्योंकि एक कर्व लाइन, लाइन स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इसको ऐसे बनाते हैं, यानी कि एक कर्व लाइन ही इसका शेप बनाती है। अपनी पेंसिल को रख के ओवल बना के देखें, ओवल बना के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइन को कर्व होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मोड़ना ज़रूरी है। कर्व लाइन क्या होती है? मुड़ी हुई लाइन कहते हैं, ठीक है? तो कर्व सरफेस क्या है? वो वन है। और नंबर ऑफ कॉर्नर, देर इज़ नो नंबर ऑफ कॉर्नर, इट मीन्स इट इज़ ज़ीरो। ओके, शाबाश। द नेक्स्ट वन इज़ पैरामिड। पैरामिड में हमारे पास क्या क्या होता है, कौन कौन सी शेप्स होती हैं स्टूडेंट्स? क्या आपको पैरामिड का शेप याद है? ट्राइंगुलर फ्रॉम द अप एंड बेस इज स्क्वायर। सो स्क्वायर बेस हैज़ वन, स्क्वायर फेस वन होता है, रेक्टेंगुलर नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, ट्राइंगुलर नहीं होता। आई हैव डन अ मिस्टेक। ट्राइंगल तो होता है ना पैरामिड? यस, तो ट्राइंगल कितने सारे होते हैं? यस, 4 ट्राइंगल्स होते हैं। हमने पहले पैरामिड बना के उसके फेसेस भी चेक किए थे, तो वो 4 ट्राइंगल्स थे। तो ट्राइंगुलर फेस पे हम क्या देंगे? 4। देन वी हैव कर्व, कर्व लाइन नहीं होती। और एरोज वाली एक्सरसाइज से हम देखेंगे कि कितने एरोज होते हैं पैरामिड में, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 6 कॉर्नर्स हम लिखेंगे। कहाँ पे? कॉर्नर वाले बॉक्स में। गेटिंग माई पॉइंट, डन विद मी, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? और अब इस ग्राफ को एक तरह से चेक कर लीजिए। जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है पूरा टेबल बना हुआ, उसको अपने बुक के ग्राफ से चेक कर लें कि आपने इसी तरह से लिखा है, करेक्ट? ओके, नाउ हेयर इज सम 3D शेप्स। इसी बुक के 32 पेज नंबर पे 3D शेप्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? हियर इज अ स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर और अ कोन, कोन सरफेस।
ये कोन है, ठीक है। ऊपर से ट्रायंगुलर और नीचे से गोल होगी तो कोन कहलाएगी, ऊपर से ट्रायंगुलर नीचे से स्क्वायर टाइप कहलाएगी तो पैरामिड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है। जब टीचर आपको कॉल करें तो आप उनको बताइएगा कि आज आपने इस एक्सरसाइज को सम अप किया है। सम अप का मतलब क्या होता है कि आपने इस एक्सरसाइज के कॉर्नर्स भी देख लिए और यानी कि डिफरेंट शेप्स के आपने कॉर्नर भी देख लिए, फेसेस भी देख लिए और इनको बहुत समझ भी लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में मिलेंगे और उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और मैथ से कनेक्टेड रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।